अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केक पर और डेजर्ट पर डालने वाला स्प्रिंकल। ये स्प्रिंकल बनाना बहुत इजी होते हैं। चलिए बनाते हैं। ये कितने इजी प्रोसेस से बताऊँगी, चलिए इसे देख लेते हैं। चलिए बनाते हैं स्प्रिंकल। चलिए आज बनाते हैं स्प्रिंकल। स्प्रिंकल बनाना बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। मैं इस तरह का, मेरे पास पॉलीथीन था तो इसे पाइपिंग बैग बनाएंगे। बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी पाइपिंग बैग किस तरह बनाते हैं। इस तरह से इसका नोक को दबाते हुए इसे मोड़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता मोड़ लेंगे। इस तरह कर लेंगे। इसका जो इस तरह का मैं कोन बनाकर तैयार हो चुका है। इसका जो एंड से थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा में लगाएंगे सेलो टेप। इस तरह से लगाकर इसे लपेट लेंगे। घर में कोन इजी तरीके से बनाते हैं। इस तरह बन के तैयार हो चुका है। इस तरह से सारे कोन बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से कोन बन के तैयार है। तीन तरह के कोन बना है। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे काट लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर से कोन बन के तैयार हो चुका है। इस तरह से तीन कोनों को इस तरह से काट कर तैयार कर लेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट हटा लेंगे तो ये हमारा कोन बन के तैयार है। अब चलते हैं स्प्रिंकल बनाने का प्रोसेस करते हैं, उसका तैयारी कर लेते हैं। चलिए इसे साइड में रखते हैं। स्प्रिंकल बनाने के लिए मैं एक कप चीनी ग्राइंडिंग जार में पीस चुकी हूँ। इसे आइसिंग शुगर बनाएंगे। आइसिंग शुगर घर पर किस तरह आसानी से बनाते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसे क्या करेंगे, एक पतले कपड़े में इस तरह से मैं बांध ली हूँ। एक बर्तन में चिमटा लगाकर इसे आहिस्ता आहिस्ता डालकर इसे छानेंगे। छान लेने पर इसका जो ज़्यादा मोटा पार्ट रह जाएगा तो उसे निकाल लेंगे। इस तरह से इसे छानेंगे। सारे चीनी का पाउडर को अच्छे से छान के तैयार कर लेंगे। ये हमारा चीनी का पाउडर अच्छे से छान के आइसिंग शुगर बन के तैयार है। आइसिंग शुगर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए कितना चिकना और बहुत अच्छे से बन के तैयार हुआ है। इसका आधा हिस्सा मैं लूँगी, इसमें एक कटोरे में डाल लेंगे। और इसमें क्या करेंगे, और कुछ नहीं इसमें डालने का ज़रूरत है। इसमें थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर इसे अच्छे से फेंटेंगे। इसका ग्लेज आने तक इसे फेंटेंगे। इसका जो साइन होते हैं बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। इसे अच्छे से फेंटना है और कुछ नहीं इसका काम है। बहुत ईजी प्रोसेस है। फिर से एक चम्मच पानी ऐड करूँगी। इस तरह से इसे फेंटेंगे। ये बहुत ही फेंटने पर ये अच्छे से फ्लॉपी बन जाता है। और इसमें एक एक चम्मच ये आइसिंग शुगर डालते जाएंगे। फेंटेंगे, थोड़ा पानी फिर ऐड करूँगी। फिर से शुगर डालूँगी, आइसिंग शुगर को फिर से डालेंगे। या भी आधा चम्मच पानी ऐड करूँगी। इसे फेंट लेंगे और फिर से आइसिंग शुगर डाल लेंगे। अच्छे से फेंटेंगे। तरह से कर इसे तैयार करेंगे। इसे बस अच्छे से फेंटना है। फेंट के इसका जो साइन आने पर इस तरह से करेंगे, ये फ्लॉपी हो जाएगा तो ये साइन आने लगेगा। सिर्फ आइसिंग शुगर और पानी से बनके तैयार होते हैं। देखिए हमारा मिश्रण में किस तरह का ग्लेज आ रही है। इस तरह का फ्लफी वाला हमें चाहिए। इसे 4 से 5 मिनट अच्छे से फेंट लेंगे
बहुत फ्लॉपी बन के तैयार होगा। इसे मैं 3 रंगों में बनाऊंगी। मेरे पास पाउडर फॉर्म में है कलर, और आप जब जेल यूज करते हो तो जेल में भी कर सकते हैं। इसे 3 पार्ट कर लेंगे। तीन बाउल में इस तरह से डाल चुकी हूँ। अब मैं इसे कलर ऐड करूँगी। ये येलो वाला कलर है, इसे डाल लूँगी और इसे अच्छे से इस तरह टुक टुक पिक कर इसे मिलाना है। बिल्कुल भी इसे चम्मच ऐड मत करना, ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो ये आप जब चाहें तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। इस तरह फेंटने पर ये थोड़ा फ्लफी भी हो जाता है। इस तरह से सारे कलर में डालकर फेंट लूँगी। ये 3 कलर में हमारा स्प्रिंकल का मिश्रण तैयार है। कितना साइन, कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। अब मैं इसे कोन में डालूँगी। ये जो कोन होते हैं, कोन में डाल लेंगे। इसे बिल्कुल भी चम्मच नहीं लगाएंगे, वरना ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। इस तरह से डालूंगी। मिश्रण हमारा इस तरह का ठीक होना चाहिए, ज़्यादा इसे पतला नहीं करेंगे। और जो है इसे भी डाल लेंगे। एक कोन बन के तैयार है। अब इसे क्या करूँगी, इसका छोटा सा छेद करेंगे, बिल्कुल भी छोटा सा। इस तरह से छेद कर लेंगे। और इसे क्या करेंगे, वाइट पेपर या वाइट पेपर पर इसे तेल थोड़ा ग्रीस कर लेंगे, या इसे बटर पेपर पर बनाएं, और इस तरह का पॉलीथिन हो तो इस पर भी बनाएं। ये पॉलीथिन जो होता है, इस तरह बनाने पर बहुत ही आसान तरीके से निकल आते हैं। इसे क्या करेंगे, बनाएंगे इस तरह से, आहिस्ता आहिस्ता इसे डालते जाएंगे। इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से लंबे लंबे से इस तरह बनाएंगे। ग्रीन कलर का सारे स्प्रिंकल बनके तैयार हैं। इस तरह से लंबे लंबे इस तरह से बनाएंगे। और बनाकर मैं तैयार कर चुकी हूँ। अब इस तरह से छोटे छोटे बूंदे, छोटे बड़े साइज का इस तरह से कर लिए हैं। अब इसे क्या करेंगे, ये जो येलो कलर का है, इसे थोड़ा अच्छे से फेंट लेंगे। है ना, ये थोड़ा रहने पर ये थोड़ा थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो इसमें क्या करूँगी, 1 से 2 डब पानी डाल लेंगे। इसे डालकर अच्छे से फेंट लेंगे और इसी तरह से स्प्रिंकल बनाते जाएंगे। जितना कलर चाहें आप उस तरह का बनाकर तैयार करेंगे। अब इसे क्या करेंगे, ये देखिए अच्छा से, बहुत अच्छा से बन के तैयार हो चुका है। अब इसे मैं कोन में डालकर इसे भी बनाएंगे, और रेड कलर का उसे भी बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से येलो कलर का भी कोन में बाहर पैक कर चुकी हूँ। थोड़ा सा छेद कर लेंगे, पतले बहुत छोटा सा छेद कर लेंगे। अब इसे भी बनाते हैं, और इसे और रेड, तीनों तरह के जो बनाए हैं सारे बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। तीनों कलर के स्प्रिंकल बन के तैयार हैं। छोटे छोटे साइज में बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। इस तरह लंबे लंबे साइज में तीनों को इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए। अब इसे क्या करेंगे, इसे फैन के नीचे 1 दिन के लिए रख लेंगे। बहुत अच्छे से सूख कर तैयार हो जाएंगे। इसे बिल्कुल भी धूप में या फ्रिज में मत रखना। इसे फैन में अच्छे से सूख के कड़े, 1 दिन में ना सूखे तो ये
और 1.5 दिन में ये सूख के तैयार हो जाएंगे। इसे सूखने के बाद आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, ये 1 से 1.5 दिन के अंदर ये सूख के तैयार है। ये हमारा स्प्रिंकल जो होता है, इसे आहिस्ता आहिस्ता इस तरह करेंगे तो ये निकल आएगा। ये देखिए, बहुत ही इजी स्टेप में आपको बताकर तैयार करी हूँ, आप इसे तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से करेंगे तो स्प्रिंकल अपने आप निकल आएंगे। ये देखिए, इस तरह कर लेंगे या ये चम्मच के सहायता से इस तरह भी निकाल लेंगे। चलिए, सारे स्प्रिंकल को मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए, कितना आसान तरीके से निकल चुका है। अब इसे पास से मैं दिखाऊंगी। ये देखिए, कितना सुंदर से बन के तैयार हो चुका है। इसे आप स्टोर करें, केक या डेजर्ट किसी में भी आप डालकर इसे परोस सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसे डिब्बे में रखकर इसे फ्रिज में स्टोर कर लें, बहुत ही दिन चलते हैं, कुछ ख़राब नहीं होता है। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।